हेलो एवरीवन, देखिए एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक वुडन आर्टिकल बनाया है, क्या किया उसमें से हमने हेमिस्फीयर निकालने हैं फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर वही है, क्या है ये, भरा हुआ है किसी चीज़ से। ठीक है, उसके एंड से हमने क्या कर दिया, स्कूप कर दिया, निकाल लिया, क्या हेमिस्फीयर निकाल दिया। ठीक है, एज शोन इन फिगर। कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज कितना है, 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है सिलेंडर की, 10 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली चीज़ कितनी की बने आपके पास, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है। एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस, बेस का रेडियस मतलब ये वाला, ये जो रेडियस है बेस का, ये कितना है हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर इतनी बात। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब देखो जरा, ये स्कूप किया, निकालने हैं इस सॉलिड सिलेंडर में से हमने क्या किया, ये निकालने हैं ये वाला पार्ट, इधर से भी हेमिस्फीयर निकाल दिया और इधर से भी हेमिस्फीयर निकाल दिया। तो अब जो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा होगा वो कैसा दिखाई दे रहा होगा, देखो सॉलिड है इस वजह से हम बात कर रहे हैं इसमें। देखो ये कैसा दिखाई दे रहा होगा, ये आपको इधर से ऐसा और ये ऐसा, ठीक है ना, ये चीज़ निकाल दी क्योंकि हमने सिलेंडर में से ये हेमिस्फीयर निकाल दिया, तो ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है ना, बात समझ रहे हो या नहीं। ठीक है, और आपके पास ये शेप जो होगी वो किस तरीके से दिखाई दे रही होगी इसमें, ये देखो यहाँ से, जैसे हम कहते हैं ना कोई चीज़ इसमें भरी हुई है, ठीक है, भरी हुई है, तो ये हमने एक बाउल टाइप कोई चीज़ निकाल दी इसमें से। ठीक है, तो वो अब जो शेप रह गई होगी वो बाउल जैसी शेप ही तो होगी अंदर, या नहीं। 3D में समझने की कोशिश करो इसको, ठीक है ना। तो जैसे मैं वही बात कह रहा हूँ आपको, जैसे आइसक्रीम की ब्रिक है, उसमें से इधर से भी आपने मान लो एक हेमिस्फीयर टाइप निकाल दिया और इधर से भी हेमिस्फीयर टाइप निकाल दिया, तो वहाँ गड्ढे से नहीं हो जाएंगे हेमिस्फीयर टाइप के, इधर भी हेमिस्फीयर टाइप के गड्ढे हो जाएंगे। ठीक है, चलो पहले हम बात करते हैं इसका सर्फेस एरिया निकाल लेंगे कैसे, टोटल सर्फेस एरिया निकालना है। देखो टोटल सर्फेस एरिया में जैसे ये सिलेंडर था, तो इसका ये कर्व्ड पाथ तो आएगा ही आएगा, या नहीं, बाहर वाला ये जो है कर्व्ड पाथ तो आएगा ही आएगा जो गोलाई में है। लेकिन अब जब ये हमने ऊपर से देखा, ठीक है, ऊपर से जब हमने देखा इसको, तो ये हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिए थे। जब ये हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिए तो अंदर इसमें जो शेप आएगी वो भी कैसी आएगी, कर्व्ड आएगी। और अगर इधर से मैं देखूंगा इसमें भी क्या आएगी शेप, नीचे कर्व्ड शेप आएगी, किसकी, हेमिस्फीयर की, क्योंकि वो चीज़ तो चलो निकाल दी, लेकिन जो वो शेप छोड़ गया अपनी, वो तो छोड़ ही गया ना। ठीक है, तो अब इसमें कैसे हम निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा सॉलिड का, प्लस ये जो हेमिस्फीयर है इनके भी तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से देखने पे ये हमें हेमिस्फीयर की सरफेस दिख रही है जो कर्व्ड है, ठीक है, और नीचे से देखने पे भी कैसी दिख रही है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दिख रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो है ही है, लेकिन ऊपर से देखने पे कैसा आ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, नीचे से भी देखने पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये दोनों जो एरिया है वो भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे टोटल सरफेस एरिया के लिए। तो देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, ये आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो आएगा ही आएगा, प्लस अगर मैं ये कहूँ ये फर्स्ट हेमिस्फीयर मान लो, ये सेकंड वाला जो निकला है हमारे पास, ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड, मतलब ये मैंने फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड, ठीक है, सेकंड हेमिस्फीयर। क्या समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब तो फॉर्मूले लगाओ, क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कितना होता है हमारे पास, 2πRh प्लस, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है हमारे पास, 2πR2, और ये भी कितना होता है, 2πR2, सेम ही है हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास ये दोनों हेमिस्फीयर सेम ही थे, तो सेम रेडियस के ही हैं ये, तो ये आपके पास 2πRh प्लस ये कितना आ जाएगा, 4πR2। क्लियर इतनी बात। अब देखो जरा, जो रेडियस सिलेंडर में है वही रेडियस हेमिस्फीयर की है, सीधी सी बात है ये तो, ठीक है ना, क्योंकि उसी में से तो निकालने हैं हमने, या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखो जरा आपके पास ये 4πR2 और ये 2πRh, देखो यहाँ से कुछ कॉमन आता है क्या। पहले देखो, सबसे पहले हम यहाँ से ये देखते हैं 2π और r कितना है हमारे पास, 3.5, और हाइट कितनी है इसकी, 10 सिलेंडर में, ठीक है, प्लस 4π इंटू r कितना है, 3.5, और ये 3.5 स्क्वायर था तो 2 बार 3.5। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2π कॉमन आ सकता है और 3.5, क्योंकि यहाँ 4 है तो 2 इंटू 2, मतलब 2 बाहर आ सकता है ना यहाँ से, और पाई भी, तो 2π इंटू में 3.5 बाहर, इधर क्या बचा, 10 प्लस 4π में से 2π बाहर गया, तो इधर क्या रह गया, 2 इंटू में, और 3.5 एक बाहर गया, एक बचा इधर 3.5, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू में 22/7 इंटू में 3.5 को 35/10 लिख दूँ मैं इंटू में। अब ये देखो जरा, 10 ये 10 है प्लस 3.5 इंटू 2 कितना आता है, 7.0 आएगा, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ये 10 है, ठीक है ना, तो ये 3.5 इंटू 2 7.0 कह लो या 7 कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो 10 प्लस 7 कितना आ जाएगा, यहाँ से 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17, 10 प्लस 7 इज 17, कितनी बात क्लियर है। अब देखो इसको सोल्व करना है, अब तो सिंपल है, देखो जरा 7 5 था
एंड दिस 5 2 10 और ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 22 और 17। तो 22 को 17 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 7 2 14, 7 2 14 और ये 15 और ये आपके पास 22, 4 5 6 7 और ये 3, कितना आ गया आपके पास 374 टोटल सरफेस एरिया आ गया आर्टिकल का। क्लियर इतनी बात। और ये किस में था हमारे पास सब कुछ सेंटीमीटर में था, तो इसका मतलब एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वेयर में आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, ये आपके पास आंसर आया इसका। तो देखो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, इतना कोई मुश्किल तो है नहीं, थोड़ा बस आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही हो जाएगा। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।